वेलकम बैक दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पंच के बेस वेरिएंट प्योर के मॉडिफिकेशन के बारे में। तो क्योंकि अब ये बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको बेसिक जो फीचर्स हैं वो भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो क्या क्या चीजों का इंस्टॉलेशन है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो बेस वेरिएंट है तो म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है, तो म्यूजिक सिस्टम का इंस्टॉलेशन रहने वाला है। स्पीकर्स के साथ में सेंटर डोर लॉकिंग रहने वाली है, उसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। अलावा दोस्तों क्योंकि अभी प्योर वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको जो फॉग लैंप्स है वो भी नहीं मिलते हैं, तो फॉग लाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो भी रहने वाला है। अपने मिंडा के जो फॉग लैंप्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो भाई ये अपने फॉग लैंप्स है मिंडा वाले जो कि इंस्टॉल किए जाने हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ तरीके की यूनिट रहती है। पीछे की तरफ आपको कपलर के लिए जो है वो प्लेसमेंट भी मिल जाती है। वो वायर कटिंग जो है उसके इंस्टॉलेशन में बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, और जो इसका इंस्टॉलेशन रहता है दोस्तों वो कंप्लीट आपको कपलर के साथ देखने को मिलेगा। इसके लिए प्रॉपर जो है एक रिले वायरिंग आती है, तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा। ये वाली जो मिंडा की ही रिले वायरिंग रहती है, इसके साथ जो इसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। वायरिंग है जिसका इंस्टॉलेशन जो है इसकी फॉगलाइट के साथ किया जाना है, और ये भी अपनी मिंडा की रहने वाली है। यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखो तो यूनो मिंडा की आपको प्रॉपर यहाँ पे मार्किंग जो है वो देखने को मिल जाती है। और जो इसका कनेक्शन रहता है दोस्तों सारा कुछ आपको कपलर के थ्रू देखने को मिलेगा। ये जो सॉकेट्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो फॉगलाइट मैंने आपको दिखाई उसके सॉकेट जो है वो उसमें कनेक्ट जाएंगे। तो वायर कटिंग कोई नहीं रहती, फ्यूज वगैरह के साथ प्रॉपर जो इसका इंस्टॉलेशन है वो रहता है। इसके अलावा क्या अपडेट है, इसके अंदर हॉर्न आता है सिंगल टोन वाला, छोटा सा अपना रहता है, उसको चेंज करके यहाँ पे जो हॉर्न है वो लगाए देंगे। अपने डुअल टोन वाला जो हॉर्न है वो रहेगा। इसके अलावा इसके डीआर वाले पोर्शन के ऊपर ये जो अपना इंडिकेटर वाला पार्ट है इसके ऊपर आपको एक डीआर लाइट भी देखने को मिलने वाली है, जो कि स्ट्रिप डीआर रहेगा। ये आप इसको देख सकते हैं, ये अपनी स्ट्रिप डीआर रहेगी जो कि डुअल पर्पज में वर्क करती है, इंडिकेटर और डीआरएल दोनों पर ही रन करेगी। हमने की प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, तो बंपर में यहाँ पे छेद करके जो है वो प्लेस किया गया है, और प्रॉपर आपको यहाँ पे देख सकते हो किस तरह की फिटिंग है। अभी अंदर चला जाएगा, उसके बाद इसकी जो फिटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको जो है म्यूजिक सिस्टम लग जाने के बाद इसका आउटपुट दिखाऊंगा किस तरीके का और इसका जो है आउटपुट रहता है। दोस्तों बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको रूफ रेल जो है वो देखने को नहीं मिलती है, तो रूफ रेल का जो इंस्टॉलेशन है वो भी रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लॉसी फिनिश के साथ अपनी जो एबीएस क्वालिटी की रूफ रेल है उसका जो कंप्लीट इंस्टॉलेशन है वो आपको देखने को मिलने वाला है, और इसका जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर प्राइमर से जो है वो क्लीन करने के बाद जो है किया जा रहा है। तो भाई ये वाला हॉर्न जो पंच से आता है स्ट्रोक, इसको यहाँ पे रिप्लेस करके अपने डुअल टोन वाले जो हॉर्न से उसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। तो एक यूनिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और इसकी भी वायरिंग आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप पीछे की तरफ कपलर देख सकते हो, कोई वायर कटिंग नहीं होती, कपलर के साथ किया जाता है। और दूसरी वाली जो यूनिट है उसका इंस्टॉलेशन यहाँ पर किया जाएगा। तो वो वाला हॉर्न जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, साइज में बड़ा भी है, और साथ ही साथ जो इसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। भाई यहाँ पे आप देख सकते हो तो म्यूजिक सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन है स्टार्ट हो चुका है, फ्रेम लग चुका है, जो वायरिंग की जा रही है वो सारी आपको कपलर के थ्रू देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके सारे कनेक्शन वगैरह जो है कपलर के थ्रू ही ये किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो सारा कुछ आपको कपलर टू कपलर देखने को मिल जाता है। कंपनी की जो ओरिजिनल वायरिंग है उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती है। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको दिखाते हैं चला करके किस तरीके का इसका ओवरऑल आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। इसका सारा मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, एक करके आपको दिखाते हैं कौन कौन से सीरीज का इंस्टॉलेशन यहाँ पे किया गया है। सबसे ऊपर की तरफ स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो तो ऊपर की तरफ आपको डीआरएल लाइट देखने को मिल जाएगी जो कि डुअल पर्पज वाली है, इंडिकेटर और डीआरएल दोनों पर ही वर्क करती है। इसका जो पार्किंग बल्ब है वो भी आपको येलो मिलता है, जिसको चेंज करके यहाँ पर जो एलईडी है वो इंस्टॉल करी गई है। ओवरऑल लुक आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का आ रहा है। नीचे आते दोस्तों तो फॉग लाइट इस एरिया में नहीं आते, मिंडा वाले जो फॉग लैंप्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, और ओनली फॉग लैंप का किस तरीके का आउटपुट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। लाइट के साथ जो कॉम्बिनेशन है काफी अच्छा बैठ जाएगा, और ज्यादा अच्छा आउटपुट चाहिए तो आप इसके अंदर जो है एलईडी भी लगवा सकते हो, हेडलाइट के अंदर भी एलईडी का आपको ऑप्शन मिल जाता है। साइड एक्सेसरीज की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले व्हील कवर्स का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, डुअल टोन वाले सिल्वर प्लस पियानो ब्लैक के जो इंसर्ट के साथ अपने व्हील कवर है वो आप देख सकते हो। रियर से किस तरीके का लुक आता है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए, किस तरीके का आपको ओवरऑल लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अपना एक डोर वाइजर का इंस्टॉलेशन है जो कि अपने पंच की मार्किंग के साथ आपको यहाँ पर देखने को ये मिल जाता है, कुछ इस तरीके का है। इसमें एक क्रोम लाइन भी आता है, अगर आप चाहें तो क्रोम लाइन भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। ऊपर की तरफ अपनी जो रूफ रेल है वो इंस्टॉल करी गई है, और ये ग्लॉस फिनिश के साथ काफी अच्छा जो लुक है वो ऑफर कर रही है, और प्रॉपर फिटमेंट के साथ है। इसको पकड़ के आप गाड़ी को जो है पूरा हिला भी सकते हो, गाड़ी जो है वो अपना ये जो इसकी जो चिपकन है वो छूटेगी नहीं, प्रॉपर आपको फिक्सिंग देखने को मिल जाती है। रियर में आते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं क्या इंस्टॉल किया गया है। तो रियर में अपना जो रियर व्यू कैमरा है उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे आप देखो किस तरीके की इसकी फिनिशिंग है, कंप्लीट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये निकलने वाला नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर जो है इसका फिटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब इंटीरियर में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा इसका आउटपुट आता है। सेंटर डोर लॉकिंग आपको पंच के बेस मॉडल में नहीं मिलती है, तो रिमोट वाली जो सेंटर डोर लॉकिंग है वो इंस्टॉल करी गई है, और ये फ्लिप की भी आप यहाँ पर देख सकते हो, आरडी कंपनी की जो फ्लिप की है वो बनाई गई है, टाटा का लोगो भी यहाँ पे दिया गया है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लिप की किस तरीके के लुक में है, लॉक अनलॉक के जो बटन है वर्किंग रहते हैं, और बीच वाला बटन जो है वो आप यूज करते हो म्यूट करने के लिए, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। फ्लिप का यहाँ पे फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा प्रीमियम आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको
ये फ्लिप का फंक्शन कुछ तरीके से अपना वर्क करता है और काफी यहाँ पे आप देख रहे हो काफी अच्छा आपको यहाँ पे एक जो फील है वो देने वाला है। काफी अच्छी हैवी की है और अपना जो है एक्चुअल आपको काफी प्रीमियम फील जो है ये देने वाली है। अब चलते हैं इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या क्या इंस्टॉलेशन किया गया है। तो सबसे पहले आपको मैं रियर प्रोफाइल ही दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देखो तो पीछे की तरफ आपको यहां पे पंच की जो स्कफ प्लेट है उसका इंस्टॉलेशन देखने को मिल जाता है कुछ इतने साइज में। आगे वाले भी दिखाता हूं, उससे पहले आप यहां पर देखो तो रियर में पावर विंडो का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। और यहां पे आपको मैं सबसे पहले इसकी वर्किंग दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो आरडी की कंपनी की जो अपनी रियर पावर विंडोज है वो इंस्टॉल करी गई है। इसमें जो अपने रियर स्विचेस है वो इंडिविजुअल रहते हैं। यहां पे आप देख सकते हो किस तरीके से वर्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा वाला स्विच भी आप यहां पे देख लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। ड्राइवर साइड से आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको टाटल जनरल वाली चाहिए तो वो भी आपको मिल जाती है। टाटा जनरल वाली चाहिए वो भी लगवा सकते हैं। स्पीकर जो है वो अपने जेबीएल के लगाए गए हैं जो कि पैक हो चुके हैं। चार डोर्स में को अपने जो क्वेक्सल स्पीकर्स हैं वो लगे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अपना जो रियर में मैटिंग जो है वो इंस्टॉल करी गई है। प्रॉपर 7D वाले जो मैट्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रीमियम 7D जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल की दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वेलक्रो के साथ इसका इंस्टॉलेशन है। प्रॉपर फिटमेंट कहाँ तक रहती है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखो तो इस जगह तक रहती है। अगर आप फ्लोरिंग करवाते हैं तो ये वाले पार्ट्स भी जो है वो अपने कवर हो जाते हैं और 7D के साथ ये पार्ट जो है वो कवर नहीं होते। तो यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हो तो प्रॉपर कितनी फिटमेंट आती है यहाँ पे आप रियर सीट में वो आप चेकआउट कर लीजिए। अब चलते हैं अगली सीट में और आपको दिखाते हैं और क्या क्या एक्सेसरीज का इंस्टॉलेशन है। यहाँ से देखिए तो अपनी जो स्कफ प्लेट है वो आप देख सकते हो फ्रंट वाली कुछ इतने साइज में आपको देखने को मिल जाती है। पंच की मार्किंग और ब्लू कलर की आपको लाइटिंग काफी अच्छी यहाँ पे देखने को ओवरऑल मिल जाएगी। और ये ड्राइवर वाला पोर्शन है जिसमें अपने जो यहाँ पे आप देख सकते हो 70 मैटिंग काफी अच्छी लुक के साथ है। और यहाँ पे अगली जो ये ड्राइवर पोर्शन पे कितना कवर कर रहा है ये भी आप एरिया यहाँ पर देख लीजिए। तो कितना एरिया यहाँ पे कवर्ड है, ये पोर्शन ब्लैंक रहता है। यहाँ पे फ्लोरिंग काम आएगी अगर आप करना चाहें तो, बाकी कम्प्लीट ये रहने वाला है और साफ करना भी इसको आसान रहता है। इसके अलावा क्या क्या इंस्टॉलेशन है गाड़ी के अंदर वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप इसका म्यूजिक सिस्टम देख लीजिए। तो यहाँ पे अपनी 9-inch स्क्रीन के साथ टच स्क्रीन जो म्यूजिक सिस्टम है वो इंस्टॉल किया गया है प्रॉपर अपने पंच के फ्रेम के साथ। इसका रिस्पॉन्स आपको मैं दिखाऊं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है टच का। यहाँ पे आप देखें तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे जो क्विक रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल जाएगा। कोई भी लैग वगैरह जो है वो आपके इसके अंदर फिटमेंट में देखने को तो कोई भी लैग वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर आपको कई सारी प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जिसके अंदर आप देखें तो अपना गूगल है, मैप आता है, प्ले स्टोर है, इसके अलावा यूट्यूब भी है। जो सी एप्लीकेशन आप चाहो क्रोम ब्राउजर वगैरह डाउनलोड करना तो आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर के थ्रू। काफी अच्छा आपको यहाँ पे कन्वीनियंट मिल जाता है। इसके अलावा रियर व्यू कैमरे का भी आउटपुट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरीके का रियर व्यू कैमरा है और क्लियर आउटपुट आपको नाइट टाइम में भी देखने को मिल जाता है और काफी अच्छा आपको जो विजिबिलिटी है इससे काफी अच्छी आ रही है। तो भाई पंच का सारा मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं कैसा कुछ उनका फीडबैक रहा है। तो सर सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम हेमंत खत्री है। सर आपका? मेरा नाम हिमांशु भाई। आपका सर? मनदीप। और आपका भाई? रामधनी यादव। तो कहाँ से आ रहे हैं आप सभी लोग? हम नरेला से आया भाई। नरेला से? तो कोई वीडियो वगैरह देख करके यहाँ पे आए थे या डायरेक्ट आए हो? ना वीडियो देखी थी भाई। तो जितनी एक्सेसरीज आपको अपनी गाड़ी के लिए चाहिए थी सारी मिल गई? बिल्कुल बिल्कुल। फिनिशिंग फिटमेंट के बारे में पूछना चाहूंगा कैसा लगा? ना ना बढ़िया भाई, काम बढ़िया लगेगा। जितना मतलब जिस तरीके से रहना चाहिए उस तरीके से हो गया। नरेला से आने का फायदा हुआ यहाँ पे? हुआ भाई। कितना पेमेंट कर दिया आपने सर? 30,000 दिए मैंने भाई को। 30,000 पेमेंट कर दिए। तो 30,000 पेमेंट करने के बाद कोई आपको मतलब दिक्कत आई हो? ना ना कोई दिक्कत नहीं आई, भाई ने गिफ्ट भी दिया उसके बाद। अच्छा गिफ्ट भी मिल गया अपना, ठीक है। और नंबर देना हो 10 में कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में 10 भाई। 10 में 10 सभी भाई, किसी को कोई दिक्कत? ना ना कोई दिक्कत। इन फ्यूचर कभी आना हो, रिकमेंड करना हो डेकोरम कार को तो करना चाहेंगे? बिल्कुल करेंगे। चलिए सर, फीडबैक आपका बहुत बहुत वैल्यूएबल है। और नई नई गाड़ी लिए बिल्कुल, अभी मेरे साथ 100 किलोमीटर ही चली है कुछ, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है भाई, थैंक यू।